हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आर्यनगर उत्तरी श्री श्री डीह राज मंदिर कुमरियाना टोला से शुक्रवार को हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल, पूर्व पार्षद आर्य नगर राजेश जायसवाल, एडवोकेट वरुण चौरसिया के नेतृत्व में परंपरागत तरीके से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाएं और बच्चे ढोल नगाड़े और डीजे की धुन पर नाचते गाते अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे थे। बेनीगंज चौराहे पर शोभा यात्रा पहुंचते ही भाजपा के सदर लोकसभा प्रत्याशी भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन अपने काफिले के साथ पहुंचे और शोभा यात्रा में शामिल हुए। रवि किशन हनुमान जी के चित्र पर माल्या अर्पण किया और जय श्री राम जय श्री राम के जयकार लगाए। शोभा यात्रा में पूर्व महापौर सत्या पांडे, श्री श्री डी राज मंदिर के अध्यक्ष ब्रिजभूषण चौधरी, विनय शर्मा, नीरज गुप्ता, मनोज चौधरी, बबलू चौधरी, जीतू अग्रवाल सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपिंडी संवाददाता से बात करते हुए श्री श्री डी राज मंदिर के संरक्षक वरुण चौरसिया और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा,
बाबू आगे खटो। हनुमान जी महाराज की है यात्रा। हनुमान जी महाराज का जैसा प्रतीक है कोल भील भालू बानर, समाज के सभी लोग एक साथ होकर वीर बजरंग बली का नारा लगाते हुए हमें यात्रा विगत प्राचीन काल से निकाल रहे हैं। दिन ब दिन समाज के संभ्रांत लोगों का, प्रमुख लोगों का आशीर्वाद मिलता जा रहा है, जिससे यह यात्रा भव्यतम से भव्यतम रूप अपना लेता चला जा रहा है। चूँकि कलयुग के ईष्ट हनुमान जी महाराज हैं और बहुत भारी श्रद्धा हम लोगों के हनुमान जी के प्रति रहती है, तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि समाज के सभी लोगों को इसमें इस यात्रा में आमंत्रित किया जाए, जिससे समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, जो समाज में व्याप्त विकृतियां हैं, उससे दूर करते हुए वीर बजरंग जी का नाम लेते हुए हम सब राम के आदर्शों पर चलने का एक प्रयास करें। ये हनुमान जयंती पे वर्षों से इस क्षेत्र के मोहल्लेवासियों द्वारा और इस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा निकाला जाता है शोभा यात्रा, और मुझे भी आमंत्रित किया गया, मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ।